Hello. 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 नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज मुझे थोड़ा फीवर है तो बहुत लंबी क्लास नहीं हो पाएगी आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे मैंने सोचा था कि आज मेजर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे लेकिन आज थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन डिस्कशन कर पाएंगे और कल इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप तो सभी को बधाई हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग चलिए तो पिछले क्लास से किसी को कुछ डाउट है तो एक बार डाउट डिस्कशन कर लेते हैं नहीं तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है और कितने लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है 1857 से कुछ आपको अंतर समझ में आया है पढ़ने के बाद और हाँ स्वीटी जी बताइए क्या डाउट है बहुत अच्छा मधु जी प्रैक्टिस से आपको एहसास होगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है और कैसा रहा एक्सपीरियंस मधु जी कितने क्वेश्चन बने कितना नहीं हुआ जूही जी बहुत अच्छे से सब पूरा बन गया बहुत अच्छी बात है कुछ आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और पहले क्वेश्चन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं स्वीटी जी ने लिखा था कुछ डाउट है तो मैं स्वीटी जी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ कि क्या डाउट है और उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे गुड इवनिंग वैभव जी चलिए तो हम लोग जो मेरा पढ़ने का तरीका है उसमें मैं क्या करता हूँ कि आपको न स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ उससे फायदा आपको ये होगा ना कि आपको स्ट्रक्चर दिमाग में तैयार रहेगा जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे असफलता के कारण तो असफलता के कारण स्वीटी जी क्या उसमें सहायक संधि में क्या डाउट है बताइए सहायक संधि पहले मोटा मोटी ये समझ लीजिए सहायक संधि को इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस कहते हैं आ, वेलेजली ने इंट्रोड्यूस किया था इसका मतलब ये है या तो आप हमारे साथ हैं आप हमारे साथ हैं तो हम अपनी सेना आपके यहाँ रखेंगे सेना का खर्चा आपको देना होगा ठीक है हम एक रेजिडेंट आपके यहाँ रखेंगे जिससे पूछ के आप सारा डिसीजन लेंगे ठीक है? तो आप पूरा उसका वो ख़त्म कर दिए सारा खर्चा उसी से ले रहे हैं और उसको कुछ डिसीज़न लेने नहीं दे रहे हैं अगर आप सहायक संधि पर साइन नहीं करते हैं तो चलिए हम लोग युद्ध करेंगे और युद्ध करके मैं आपको हराऊंगा तो फिर वही बात होगी तो सबसे पहले किसने साइन किया था सहायक संधि कौन बताएगा पल्लवी जी सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है बहुत अच्छी बात है पल्लवी जी और कोशिश कीजिए कि इस बार आप सेलेक्ट होइए नवनीत जी मेरा फर्स्ट क्लास है देखिए कोशिश कीजिए कि सेलेक्ट हो जाइए क्योंकि बहुत कुछ मेरा और एस आर का भी इस्टेग पर लगा हुआ है कि आप लोग के रिजल्ट से ही हम लोग जवाब दे सकते हैं तो मेहनत कीजिए इस बार मेहनत रंग लाएगी तो सबको मज़ा आएगा मुझे भी मज़ा आएगा मुझे लगेगा कि एक बार और मुझे सफलता मिली और आपको आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा हैदराबाद बहुत सही जवाब है राकेश कुमार जी रुपेश जी हैदराबाद ठीक है चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और ऑफ़लाइन टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट करवाया था हमने पटना में आप कहाँ रहती हैं जूही जी चलिए तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है असफलता के कारण हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे असफलता के कारण को मैं कुछ भागों में बांटूंगा और वो चीज़ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है ठीक है सबसे पहले 1857 की क्रांति ठीक है असफलता थोड़ा सा मेरी राइटिंग खराब है और उसके लिए माफ कीजिएगा सब लोग ठीक है सबसे पहले इसको हम लोग छः भाग में बांटेंगे ठीक है छः भाग में कैसे कैसे बांटेंगे ये छः स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा आपका मेंस का आंसर पीटी का आंसर सब अच्छा हो जाएगा पहला है नेतृत्व ठीक है लीडरशिप ठीक है दूसरा है संगठन संगठन ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तीसरा है आपको सभागीता स... सभा गीता पार्टिसिपेशन मैंने दवा खाया है इसलिए बहुत पसीना आ रहा है अभी और दूसरा चौथा है संसाधन ठीक है संसाधन का मतलब क्या हुआ रिसोर्स ठीक है पांचवा है उद्देश्य 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 उद्देश का हो गया मोटिव और छठा है विस्तार विस्तार का हो गया आपको एक्सपेंशन ठीक है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर और छह नंबर तो जब भी असफलता का आपको चर्चा करना हो मेंस में तो आप इन्हीं छह बिंदुओं पे सफलता असफलता को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसको ध्यान दिमाग में रखिए इससे आपको पीटी और मेंस दोनों का सवाल बन जाएगा और एक आपका दिमाग में स्ट्रक्चर भी हमेशा याद रखेगा ठीक है सबसे पहले नेतृत्व लीडरशिप होगा लीडरशिप का हो जब भी कुछ होगा तो आपको संगठन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन जब होगा तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए जब लोग पार्टिसिपेट किए तो क्या क्या रिसोर्स जरूरत थी रिसोर्स आए तो क्या मोटिव था हमारा क्यों हम आए इस युद्ध में आप क्यों इस तैयारी में आए हैं ठीक है और कहाँ कौन कौन तक कहाँ कहाँ तक इसका एक्सपेंशन हुआ कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार हुआ ठीक है सबसे पहले हम लोग नेतृत्व पढ़ते हैं नेतृत्व नेतृत्व में सबसे पहले क्या होता है कि भारत का नेतृत्व कौन कर रहा था अठारह सौ की क्रांति में कौन बताएगा बहादुर शाह बहादुर शाह जफर क्या ये नेतृत्व कर रहे थे नहीं इन्होंने पहले मना कर दिया कि भैया मेरी एज हो चुकी है 80 प्लस से आप मुझे कहाँ इन सब चीज़ों में घसीट रहे हैं तो कौन किया था इनकी जगह पे बख्त खान बख्त खान ठीक है अब बख्त खान कर रहे थे तो क्या बख्त खान सब जगह थे क्या लखनऊ में बख्त खान का इन्वॉल्वमेंट था नहीं नहीं था क्या बिहार में बख्त खान का इन्वॉल्वमेंट था नहीं था क्या कानपुर में बख्त खान का इन्वॉल्वमेंट था नहीं था तो क्या था हमारे यहां एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी किस चीज की कमी थी केंद्रीय नेत्र नेतृत्व की ठीक है नेतृत्व किस चीज़ की कमी थी केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी केंद्रीय नेतृत्व से क्या होता है कि आपको पता होता है कि कैसे करना अब कल मैच है उसमें अगर एक कैप्टन क्यों बनाया जाता सभी प्लेयर तो इक्वल ही हैं। एक कैप्टन इसलिए बना बनाया जाता है कि वो सभी के बिहाफ पे डिसीजन ले सके सभी के बिहाफ पे डिसीजन ले सके कि क्या अच्छा है क्या खराब है उसको सारी चीजें क्लियरली दिखाई देगी इसीलिए भारत में प्रधानमंत्री बनाया जाता है कि पूरे जो राज्य है राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन क्या पूरे भारत के लिए जरूरी है जैसे रेलवे एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है अगर रेलवे को हम लोग राज्य सरकार में रख दें रेलवे मंत्री यहाँ रख दें तो वो दूसरे राज्य के बारे में सोचेगा ही नहीं क्योंकि उसको तो यहीं से मतलब है अपने राज्य से मतलब है इसलिए कुछ चीजें हम लोग सेंट्रल लिस्ट में रखते हैं तीन तरह का लिस्ट होता है पॉलिटी में आप लोग पढ़िएगा सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट के लिए बनते हैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री होते हैं स्टेट लिस्ट के लिए हमारे जो विधायक होते हैं वो बनते हैं ठीक है कंकरेंट में दोनों लोग बना सकते हैं कंकरेंट इसलिए जरूरी होता है कि दोनों लोग की उसमें पार्टिसिपेशन है ठीक है पता है आपको तो ये चीज़ तो वहां सबसे ज्यादा क्या चीज़ कमी थी भारत में केंद्रीय नेतृत्व की ठीक है और वहां कौन कर रहा था केंद्रीय नेतृत्व वहां कर रहा था केंद्रीय नेतृत्व एक कर रहा था लॉर्ड कैनिंग आपको याद होगा विंसेंट आयर सेना लेके कहां से कहाँ जा रहा था कलकत्ता से इलाहाबाद जा रहा था बीच में उसको मिलता है सूचना कि नहीं भैया जगदीशपुर में जरूरत है तुम लौट घूम के आ जाओ वो जगदीशपुर में घूम के आ जाता है यही फायदा है केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ क्या हो रहा था यहाँ पहले वो दिल्ली में हरा रहा था दिल्ली के बाद वो लखनऊ आके हरा रहा था वही सेनापति वही सेनापति कानपुर जाके हरा रहा था तो यहां पे सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी सब जगह लोकल नेतृत्व था एक सेंट्रल लीडर नहीं था और वहां पे एक सेंट्रल लीडर था ठीक है समझ में आ गया अब दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट क्या था हमारा संगठन ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या भारत में जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें कोई हरारकी थी हरारकी का मतलब क्या होता है अब आप उन... इमेजिन कीजिए कि आप लोग दस फ्रेंड हैं ठीक है दस फ्रेंड हैं एक दो तीन चार सब इक्वल हैं अब कहीं से कचरा उठाना है डस्टबिन में डालना कौन डालेगा कौन किसको ऑर्डर देगा सब लोग बोलेंगे तुम करो तुम करो तुम करो इसलिए हैरारकी बनाई जाती है कि एक आदमी दूसरे आदमी को ऑर्डर देगा कि तुम ये काम करो और उसको ये काम करना पड़ेगा सबका काम डिवाइडेड होता है यही ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है और वहाँ पहली चीज़ है ऑर्गेनाइजन में हैरारकी हाई हरारकी ठीक है हरारकी का मतलब क्या होता है कि इसमें सबका काम जो है बटा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में कोई हरारकी नहीं थी ठीक है सब लोग अपना अपना ही सब लोग का ऑर्गेनाइजेशन था सब लोग उसमें ज्यादा हरारकी नहीं था समझ लीजिए मतलब ठीक है दूसरा कि क्या था डिसिप्लिन थे सब लोग डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कोई भी आप अपनी तैयारी ही कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन नहीं है आप मैनेज uh, नहीं है तो आपको हमेशा दिक्कत होगी और दूसरा तीसरी चीज़ क्या थी उनको ट्रेनिंग मिलती थी हर चीज़ की ठीक है कि कैसे बंदूक चलाना है कैसे क्या करना है कहाँ से अटैक करना है जो कि देखिए आप जब जगदीश पुर की कहानी पढ़ते हैं कुंवर सिंह अपना गुरिल्ला टेक्निक से कर रहे थे तो कितना जीत मिला उनको तो ये चीज़ कमी थी कि इनको हरारकी नहीं थी डिसिप्लिन नहीं था और ट्रेनिंग नहीं थी संगठन वाले टॉपिक में और वहाँ पे ये सब चीज़ें थी ठीक है ये समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा है सहभागिता सहभागिता मतलब सहभागिता मतलब कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट किए सभा पार्टिसिपेशन तो इंडिया में तीन तरह का सीन था ठीक है कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेट किया भाग लिया ठीक है कुछ लोग क्या रहे तटस्थ रहे तटस्थ मतलब ना हम तुम्हारी तरफ आएंगे ना तुम्हारी तरफ आएंगे हम बीच बिल्कुल बीच में रहेंगे ठीक है और तीसरा क्या था तीसरा जो थे अंग्रेज के साथ थे थी, ठीक है अंग्रेजों के साथ तो इसको आप जान लीजिए ठीक है जो लोग तटस्थ रहे पहले उनको जानिए भाग जो लोग लिए उसमें सैनिक थे सैनिक थे किसान थे मजदूर थे ठीक है जो लोग तटस्थ थे उसमें कौन थे ज़मींदार थे जो तटस्थ थे ये हंड्रेड परसेंट नहीं थे ज्यादातर थे ठीक है शिक्षित वर्ग शिक्षित वर्ग बोला कि नहीं भैया हम लोग को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है हम लोग ना आपकी तरफ है ना आपकी तरफ है ठीक है ये क्वेश्चन आता है हमेशा कौन कौन अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं व्यापारी वर्ग ठीक है और नौकरी पेशा लोग नौकरी पेशा लोग हमेशा बेचारे इतने नाइन टू फाइव करके परेशान है कि किसी चीज़ में नहीं कर पाते ठीक है अंग्रेज़ों के साथ कौन कौन थे अंग्रेज़ों के साथ थे पटियाला ग्वालियर ग्वालियर सिख सेना ठीक है, गोरखा सेना कश्मीर भोपाल ठीक है ये लोग अंग्रेजों के साथ थे अब इसमें एक कमेंट आया था लॉर्ड कैनिंग का कि अगर और सबसे इंपॉर्टेंट थे सिंधिया कैनिंग ने इस युद्ध के बाद दिया था कि अगर सिंधिया ने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता तो यह युद्ध हम कब के कब हार गए होते सोच लिए सिंधिया इतना इंपॉर्टेंट है उस समय अगर सिंधिया ने इनका साथ नहीं दिया होता तो कब के कब ये हार गए होते ठीक है तो ये आपको चार्ट याद रखना है सैनिक किसान मजदूर देखिए दिव्या जी विमेंस जो है वो डिपेंड करता है कि जमींदार के घर के हैं तो उन्होंने वो तो तटस्थ रहे अगर वो ग्वालियर के हैं सिंधिया के हैं तो वो लोग अंग्रेजों के साथ थे विमेन का वैसा कोई बहुत डायरेक्ट इसमें नहीं था और इसमें आता है तो आप इसमें क्लियरली लिख सकते हैं कि नहीं वीमन का ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और नॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं था ये जैसे जैसे गांधीयन युग आएगा तब विमेन का अलग से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है ठीक है लोअर क्लास वही मजदूर मधु जी ठीक है तो तटस्थ जो थे इस पे सवाल आ सकता है जमींदार शिक्षित वर्ग व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग ठीक है थोड़ा सा ये इधर हो गया है नौकरी पेशा लोग मैं थोड़ा अगली बार से इधर लिखूंगा ऊपर करिए कर दिए ऊपर ठीक है अगला टॉपिक आता है संसाधन रिसोर्स हो गया ये नोट यहां लिखता हूं मैं संसाधन हमारे पास क्या संसाधन थे हथियार के नाम पे ठीक है अगर हथियार की बात करें हमारे पास क्या थे जो थोड़ा बहुत हम लूट रहे थे जो अंग्रेज़ों से लूटते थे वही थे नहीं था हमारे पास तलवार थे ठीक है भाला था और बंदूकें जो थी वो हम लूट के लाते थे लेकिन उसके गोलियां नहीं थी हमारे पास गोली की कमी थी आप एक बार तो बंदूक लूट के ले आए लेकिन गोली कहाँ से लाइएगा बार बार तो हमारे पास रिसोर्स की बहुत कमी थी और ये युद्ध लगभग एक साल तक चला एक वर्ष तक चला और एक वर्ष तक कहाँ से इतने लाएंगे जो थोड़ा बहुत तो हम लूट रहे थे वो हमारे पास नहीं था दूसरा चीज़ उनके पास कम्युनिकेशन सिस्टम था कम्युनिकेशन सिस्टम जो संचार व्यवस्था होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कैसे अगर उनको सेना कहीं भेजना है तो वो क्या करते थे तुरंत रेलवे की मदद से भेज देते थे संचार ठीक है ये सब पॉइंट जो है हल्के मत लीजिएगा ये यही आपको नंबर दिलाएगा रेलवे था उनके पास कहीं कोई सूचना भेजा भेजना हुआ तार के माध्यम से भेज दिया कहीं आपको कुछ भेजना हुआ डाक के माध्यम से भेज दिया ये तीनों चीज़ थी भारत के पास कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं जीरो था तो ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा एक जगह की सेना दूसरी जगह नहीं जा सकती थी अगर हम सिर्फ इनकी बात करें बाबू कुंवर सिंह की तो यही एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम घु के गए बाकी लोग नहीं गए थे ठीक है उसके आगे चलिए उद्देश्य पर्पस, उद्देश्य क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का उद्देश्य था क्लियर उद्देश्य था कि हमें इस विद्रोह का दमन करना है विद्रोह का दमन करना है सिंगल पॉइंट एजेंडा ठीक है भारतीयों का क्या था भारतीयों का क्या उद्देश्य था भारतीयों का उद्देश्य था सबका अलग अलग था अलग अलग नाना साहब का क्या था पेंशन कि भैया मुझे पेंशन मिलना चाहिए नहीं तो मैं मेहनत मजदूरी करूंगा रानी लक्ष्मीबाई का क्या था कि मेरे दत्तक पुत्र को यहाँ का झांसी का आगे का संभालने दिया जाए कुंवर सिंह के पास क्या उद्देश्य था कुंवर सिंह का उद्देश्य था कि भैया यहाँ जो जमींदार हैं इनको थोड़ी छूट दी जाए इसीलिए ये जमींदार के मामले थे ठीक है बेगम हजरत महल का क्या था कि इनका जो पुत्र है इसको फिर से बिरजिस कादिर को यहां पे वो दिया जाए कि अवध पर कंट्रोल ठीक तो ये इनका अलग अलग सबका उद्देश्य था तो और उनका उद्देश्य एक था तो हमेशा अलग अलग उद्देश्य होने से क्या होता है कि सर तटस्थ कौन कौन थे तटस्थ मैंने अभी लिख के दिखाया सब आपको तटस्थ कौन कौन थे तटस्थ थे जमींदार जो कि तटस्थ का मतलब क्या हुआ कि ये लोग ना हमारे साथ थे ना अंग्रेजों के साथ थे शिक्षित वर्ग शिक्षित वर्ग बोला कि नहीं भैया हम किसी को सब किसी के साथ नहीं जाएंगे जो लोग पढ़े लिखे थे जिनके नाम में डॉक्टर और वो लगा हुआ था वो कहीं नहीं गए व्यापारी वर्ग इनको हमेशा अंग्रेजों से फायदा था नौकरी पैसा लोग नौकरी पेशा क्योंकि अंग्रेज ही नौकरी दे रहे थे ये लोग कहीं नहीं थे ना इधर थे ना उधर थे ठीक है अब विस्तार विस्तार में क्या इसका विस्तार साउथ इंडिया में था बताइए ऊपर करिए क्या इसका विस्तार साउथ इंडिया में था नहीं इसका विस्तार सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था ठीक है सिर्फ उत्तर भारत में और अंग्रेज क्या थे अंग्रेज पूरी अंग्रेजी सेना लग गई थी सब जगह से सैनिक मंगा मंगा के वो अंग्रेज क्या था जितनी यहां पे थे फुल जितनी उनकी सेना थी जितना स्ट्रेंथ था फुल स्ट्रेंथ लग गए थे कि हमें भारतीयों को हराना है समझ में आया अंतर तो ये छह आप जब पॉइंट समझा देंगे तो आपको मेंस में 100 परसेंट नंबर मिलेगा और आप ये छह पॉइंट पॉइंट वाइज नहीं समझाएंगे पैराग्राफ में लिख लिख के समझाएंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया कहीं कुछ नहीं तो नहीं किया इसलिए कोशिश कीजिए कि हमें ये छो पॉइंट आपको पैराग्राफ में से अच्छा है पॉइंट वाइज समझाइए और इसमें कुछ फ्लो चार्ट बना दीजिए अमोद जी नहीं एजुकेशनल पीपल ये कॉन्सेप्ट गलत है साउथ इंडिया इज फॉर एजुकेशनल पीपुल ऐसा नहीं है साउथ इंडिया में ये बात पहुंची ही नहीं होगी कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं ना कैसे वो लोग हजार पंद्रह सौ दो हजार ढाई हजार किलोमीटर पहुंच जाते ये बात कि हां भारत में नॉर्थ इंडिया में विद्रोह चल रहा है ये सबसे ब्लैकिंग चीज थी नहीं उनका भी कुछ ना कुछ ग्रीवान्सेज होगा ही उनका भी ग्रीवान्सेज होगा ही जब हम देखते हैं कि हैदराबाद पर इनका कंट्रोल था टिप्पू सुल्तान पे मैसूर पे इनका कंट्रोल था कर्नाटक पे इनका कंट्रोल था नीचे पुडुचेरी में कंट्रोल था तो लेकिन उन तक ये बात पहुंची नहीं होगी कि नॉर्थ इंडिया में ऐसा विद्रोह चल रहा है ठीक है अब इसका लास्ट टॉपिक है कि परिणाम क्या हुआ इसका ठीक है तो दो तरह का परिणाम होगा इसमें परिणाम रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है अभी मैं क्रोसिन दवा खा के आया हूँ ठीक है इसका रिजल्ट क्या हुआ तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ठीक है सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट समझते हैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट क्या हुआ टर्म रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे पहले भारत शासन अधिनियम अठारह सो लागू कर दिया गया कब लागू किया था डेट भी कई बार पूछा गया फर्स्ट नवंबर 1858 को लागू किया गया ठीक है इंग्लिश में क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ठीक है अब इसके क्या क्या प्रावधान थे ये जान लीजिए ये लागू किया गया ये शॉर्ट टर्म था परिणाम भी आप जब भी लिखेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिखेंगे ठीक है पहला क्या था भारत के गवर्नर जनरल जिसको भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड कैनिंग ने इसे मिंटो पार्क अलाहाबाद में पढ़ा मिंटो पार्क क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ मिंटो पार्क अलाहाबाद में पढ़ा ये तो बन के आया था वहां से कहाँ पढ़ा गया था मिंटो पार्क अलाहाबाद में ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार क्वेश्चन आ चुका है ठीक है पहला पॉइंट गवर्नर जनरल का पद समाप्त गवर्नर जनरल का पद समाप्त ठीक है अब वाइस राय कहे जाएंगे वाइस राय तो फर्स्ट वाइस राय कौन हुए जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग ठीक है समझ में आ गया क्वेश्चन आएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन तो कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बताएगा गवर्नर जनरल फर्स्ट सही से सवाल आप लोग नहीं सुन रहे हैं फर्स्ट वॉइस राय नहीं पूछ रहा हूँ मैं फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछ रहा हूं नहीं मधु जी सवाल समझिए इसीलिए मिस्टेक होता है कैनिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं है कैनिंग फर्स्ट वाइस राय है फर्स्ट गवर्नर जनरल सब लोग जितने नाम है सब सबने लिख दिया गवर्नर जनरल अलग है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है और वाइस राय अलग है तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है बेंटिंग क्या था गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था बहुत सारे लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं तो बेंटिंग क्या था विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था कौन बताएगा जल्दी लॉर्ड विलियम नहीं है तो गलत पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखी हैस्टिंग नहीं था कुछ भी सही बात है धीरज जी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तो गवर्नर जनरल कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वैरन हेस्टिंग ये सही बात है तो पहला गवर्नर जनरल कौन था नहीं ये बहुत खराब बात है कि सभी लोग चलिए क्लास के बाद बात करूंगा इस पर सभी लोग पहले थोड़ा सा अपना दिमाग दोहराइए ठीक है चलिए तो पहले वाइस राय थे बहुत खराब बात है कि लोग आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं मुझे थोड़ा सा यह लग रहा है कि इतना तो बेसिक पता होना चाहिए सबको सब लोग तुक्का मार रहे हैं ठीक है चलिए तुक्का नहीं मारना है पता है तो बताइए नहीं तो नहीं बताइए इस इंटरव्यू में नंबर कटते हैं आपके दूसरा क्या पॉइंट था आपका भारत में कंपनी का शासन समाप्त ठीक है भारत में कंपनी का अभी तक तो एक एक कंपनी राज कर रही थी हमारे यहां अब कंपनी राज नहीं करेगी शासन समाप्त अब कौन राज करेगा तो भारत में होगा ब्रिटिश क्राउन का राज भारत में अब होगा भारत में अब ब्रिटिश क्राउन का राज होगा ठीक है समझ में आया अंतर इसमें कंपनी का राज खत्म होना और ब्रिटिश क्राउन का राज होने का मतलब समझ में आया पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया अब उसको वाइस राय बोला जाएगा ठीक है जो गवर्नर जनरल होंगे उसको वाइस राय बोला जाएगा ठीक है क्लियर है दूसरा है आपको कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन राज करेगी ब्रिटिश क्राउन का मतलब डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो राज करेगी अभी एक छोटी सी कंपनी वहां से आई थी उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी वो हमारे ऊपर राज कर रही थी अब बोला गया कि ये लोग राज करने के लायक नहीं इतना बड़ा विद्रोह हो गया तो कुछ ना कुछ कमी है तो उसमें इनको हटाइए और पहला पॉइंट ये लिखा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा मिंटो पार्क अलाहाबाद में पढ़ा गया इस एक्ट को ये सवाल आता है कि कहाँ पढ़ा गया था इस एक्ट को मिंटो पार्क अलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ठीक है मिंटो पार्क अलाहाबाद में इसको पढ़ा गया ठीक है अब जब राज हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन का तो वहां एक आदमी होना चाहिए जिस जो इस पर कंट्रोल रखेगा तो उसके लिए एक नया पद बनाया गया भारत सचिव ठीक है भारत सचिव का पद बनाया गया भारत सचिव का पद बनाया गया अब ये कौन होगा इस पर एक बार सवाल आ चुका है तो ये ब्रिटिश सांसद का एक ब्रिटिश सांसद के मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा ठीक है ब्रिटिश संसद के मंत्री मंडल का एक सदस्य होगा ठीक है समझ में आया कौन होगा ये जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है एक मंत्री को दे दिया गया कि आपको भारत सचिव का एक्स्ट्रा पद दिया जा रहा है ठीक है अब भारत सचिव का जो पद होगा ये आदमी कहाँ रहेगा एक बार इससे भी सवाल आ चुका है तो ये ब्रिटेन में ही रहेगा इंडिया का नहीं रहना है इसको ये ब्रिटेन में ही रहेगा ठीक है अब ये आदमी कैसे काम करेगा तो इसको पंद्रह सदस्यीय एक परिषद बनाया गया इसकी मदद के लिए इसकी मदद के लिए एक पंद्रह सदस्यीय टीम बनाया गया पंद्रह मेंबर का पंद्रह सदस्य ठीक है पंद्रह सदस्य का परिषद परिषद ठीक है काउंसिल फिफ्टीन मेंबर काउंसिल बनाया गया फिफ्टीन मेंबर कहां से आएंगे अगला सवाल ये बनता है तो आठ जो इसके सदस्य होंगे आठ सदस्य होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे ठीक है मनोनीत इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटेड उनका इलेक्शन नहीं होगा वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे ठीक है और ये सात जो बचे ये कौन रहेगा तो बोला गया कंपनी इतने दिन से चला रही है कंपनी का एक्सपीरियंस है तो ये कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा पूर्व डायरेक्टर द्वारा मनोनीत ठीक है नॉमिनेटेड अब बोला गया कि इसमें एक और एलिजिबिलिटी रहेगी ये जो सात सदस्य रहेंगे इनको कम से कम दस साल में इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेन ईयर एक्सपीरियंस इन इंडिया ठीक है ऐसा नहीं कि किसी आप किसी भी आदमी को उठा के बना दीजिएगा ठीक है ठीक यहाँ तक क्लियर है कोई डाउट एक भारत सचिव का पद बनाया गया ठीक है और भारत सचिव के पद को क्या किया गया मदद के लिए पंद्रह सदस्यीय एक टीम बनाई गई परिषद बनाया गया ठीक है और उस परिषद में से आठ लोग होंगे ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड और सात लोग होंगे पूर्व डायरेक्टर जो कंपनी के पूर्व डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उसके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे ठीक है और उनको मिनिमम दस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडिया ठीक ठीक है चलिए तो आगे बढ़े ठीक आगे बढ़ते हैं यहां से अब दो बनाया गया था सत्रह सौ चौरासी पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट इसमें क्या किया गया था कि कंपनी को बोला गया था पिट्स इंडिया एक्ट इसमें बोला गया था कंपनी के पास दो काम है एक तो है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखना एडमिनिस्ट्रेशन देखना और एक है वहाँ बिजनेस देखना ठीक है तो वहाँ दो पोस्ट बनाए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ठीक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये दोनों पद को खत्म कर दिया गया कि जब कंपनी का राज ही नहीं रहेगा तो ये दोनों क्या करेंगे ठीक है ये दोनों पद समाप्त कर दिया गया ठीक है अगला सवाल आता है कि कंपनी ने बहुत सारी संधियां की थी ये आपको तीन नंबर पॉइंट था ये चार नंबर पॉइंट हो गया ठीक है कंपनी ने बहुत सारी संधियां की थी क्या वो संधियां मान्य होंगी तो बोला गया हाँ अगर जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता है तब तक वो संधियां कंपनी द्वारा की गई की गई संधियां ब्रिटिश क्राउन के अंदर भी मान्य होंगी ठीक है ब्रिटिश क्राउन में भी मान्य होंगी ठीक है ठीक है छठा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा जो शुरू किया गया था जिसको कि हिंदी में कहते हैं गोद निषेध था समाप्त किया जाए विथ इमीडिएट इफेक्ट समाप्त क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी से हुआ था ठीक है इसको समाप्त किया जाए ठीक है सातवां, अब कंपनी भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं करेगी ये सब जो था साम्राज्य विस्तार नहीं होगा ठीक है युद्ध नहीं होगा अटैक नहीं होगा जो क्षेत्र है वही हमारा कंपनी के अंदर रहेगा अब ये सब जो था सहायक संधि फलाना संधि ये सब संधि अब ये सब पे आगे काम नहीं होगा ठीक है आठवां है सेना का पुनर्गठन सेना का पुनर्गठन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर भी सवाल आ सकता है इस बार पुनर्गठन सेना में पहले फाइव इज टू वन का रेशियो था रेशियो ठीक है पांच भारतीय थे और एक अंग्रेज था इस रेशियो को चेंज करके कर दिया गया नया जो अनुपात बनाया गया नया अनुपात वो कर दिया गया आपको टू इज टू वन ठीक है भारत अंग्रेज क्यों ऐसा किया गया क्योंकि पता चला था कि जितने भारतीय थे सभी ने मिलकर बंदूक लूट लिया आपस में मार दिया और ही कह गया अब भारतीय जो थे उनको भी आपस में बांटा गया जो भारतीय रहेंगे उनका अलग अलग रेजिमेंट बनाया गया और उस रेजिमेंट से पिक करते थे ठीक है रेजिमेंट को किस बेसिस से बनाया गया रेजिमेंट अलग अलग रेजिमेंट बनाया गया अलग अलग रेजिमेंट ठीक है रेजिमेंट किस पे बनाया गया सबसे पहले क्षेत्रीय ठीक है जातीय धर्म के आधार पे आधार पर ठीक है एक बार फिर से समझ लीजिए परिणाम पहला परिणाम क्या हुआ गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया ठीक है दूसरा क्या था भारत में कंपनी का शासन खत्म किया गया ब्रिटिश क्राउन का राज हो गया तीसरा भारत सचिव का पद बनाया गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत सचिव के पद को बनाने के लिए कहाँ से बनाया जाएगा तो ब्रिटिश सांसद के मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा वो ब्रिटेन में ही रहेगा पंद्रह सदस्य की परिषद काउंसिल बनाई गई उसकी मदद के लिए आठ लोग ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और सात लोग कंपनी के पूर्व डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा मनोनीत होंगे ठीक है जिनको दस साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सत्रह सौ चौ सेवेंटीन एट्टी फोर में चौरासी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो नए पद बनाए गए थे दोनों पद को ख़त्म कर दिया गया कंपनी द्वारा की गई संध्या कंटिन्यू रहेंगी ये सवाल आ चुका है यूपीएससी में आया है इंपॉर्टेंट है ठीक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ख़त्म किया गया साम्राज्य विस्तार खत्म किया गया सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना को अलग अलग रेजिमेंट में बांट दिया गया ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से ठीक है कास्ट पर भी बनाया गया कई सारे कास्ट पे रेजिमेंट है कास्ट पे बनाया गया रिलीजन बनाया गया सिख है गोरखा है पंजाबी है क्लियर सर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब लॉन्ग टर्म पे चलते हैं ठीक है लॉन्ग टर्म पे क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म ठीक है दूरगामी परिणाम ठीक है लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में धार्मिक और सामाजिक बंटवारा हो गया हिंदू मुस्लिम अलग हो गए ये इनकी पहली वो थी कि हिंदू मुस्लिम को अलग करो ठीक है एक इन्होंने पॉलिसी अपनाई बांटो और राज करो की नीति ठीक है इस नीति के कारण क्या हुआ कि भारत में धार्मिक और सामाजिक बंटवारा हो गया जो आज तक हम देखते आ रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर लड़े हैं तो इनको बीच में हमें अलग करना पड़ेगा तो वो बंटवारा आज तक देखने को मिल रहा है इसलिए लॉन्ग टर्म परिणाम है अठारह संतावन का ठीक है सामाजिक ठीक है सामाजिक बंटवारा हो गया ठीक है आर्थिक पतन हो गया आर्थिक पतन का मतलब क्या हुआ कि भारत का जितना भी था सबसे पहले यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब भारत में कोई भी उद्योग नहीं पनपेगा ये सब अठारह के बाद जो कंपनी खटी जब तक तो कंपनी थी थोड़ा सा उनके मतलब उतना दिमाग नहीं था या उनके पास उतना मोटिव नहीं था लेकिन जब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का राज हुआ तब तो बहुत बुरी हालत हो गई इसीलिए आप देखिएगा कि बाद में देसी कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये हुआ आंदोलन चलाया गया कि नहीं भैया विदेशी सामान को जलाओ आर्थिक पतन हो गया डी स्टैंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया इन्वेस्ट कर दिया गया ठीक है इन इन इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है रेलवे में इन्वेस्ट कर गया और यहां से पूरा पैसा निकाल निकाल के बाहर ले गया ठीक गया, है तो निवेश नीति के कारण निवेश नीति ठीक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस डिवाइड एंड डिवाइड एंड रूल कौन कौन से क्षेत्र था किस चीज में कौन कौन से क्षेत्र थे आ, जी कैसे Indians को मौका मिलेगा आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें आठ लोग ब्रिटिश क्राउन द्वारा होंगे तो ब्रिटिश क्राउन इंडियन को क्यों मौका देगा अभी और पूर्व डायरेक्टर द्वारा पूर्व डायरेक्टर इंडियन को क्यों मौका देगा इसीलिए तो बाद में लोग घुसेंगे इसमें इन सब चीजों पर विद्रोह स्टार्ट होगा और लोग बाद बाद में घुसना शुरू करेंगे ठीक है ठीक अब कुछ जो थे इसके जो रिजल्ट थे जो भारत के पक्ष में थे ये जान लीजिए भारत के पक्ष में ये भी आपको आंसर में लिखना हो ये आपको नंबर और फेज करेगा पहला था राष्ट्रीय भावना का जन्म क्योंकि इसके पहले राष्ट्रीय भावना नहीं थी कि भारत एक देश है हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं राष्ट्रीय भावना का जन्म राष्ट्रीय दल बनाने की सोच पैदा हुई कांग्रेस जिसका आप कह सकते हैं ठीक है सॉरी दो नंबर पॉइंट है भारत में संविधानिक विकास का प्रारंभ भारत में संवैधानिक विकास का कि हम लोग को अपना संविधान होना चाहिए का प्रारंभ और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत को कॉन्फिडेंस मिला कि हम जीत सकते हैं अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं अंग्रेजों पे को हराया जा सकता है ये अनबीटेबल नहीं है अंग्रेजों को हराया जा सकता है ठीक चलिए तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया कुछ सवाल हम लोग देखते हैं किसके किसके पास ये किताब है घटना चक्र की किताब घटना चक्र की किताब अगर आपके पास है तो हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कशन करते हैं अभी ठीक है किताब को हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं इसलिए किताब को मैं अपने सामने रख के ही क्वेश्चन बताता जाता हूँ आप लोग कीजिएगा क्योंकि कॉपी राइट का इशू होता है तो सबसे पहले हम लोग अठारह क्रांति पर चलते हैं है तो जाइए जल्दी दौड़ के खोलिए किताब पेज नंबर चार सौ तेईस पहला क्वेश्चन अंग्रेज ई भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी ठीक है तो ये दिसंबर अठारह सौ छप्पन में की गई थी ठीक है हमने कवर किया था पिछले क्लास में कि दिसंबर की घटना थी कि तीन जगह उसको शामिल करना है सबसे पहले दमदम में शामिल किया गया था और तुरंत इस विद्रोह को दबा दिया गया था ठीक है दूसरा क्वेश्चन भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था मुख्य तत्कालिक कारण क्या था जो सबसे इंस्टेंट जो कारण था वो क्या था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह कि हमें गाय और सुअर की चर्बी चबाने के लिए बोला जा रहा है संविधानिक विकास का मतलब क्या होता है संविधानिक विकास का मतलब होता है कि हम लोग अपने लिए जीने के लिए रूल खुद से बना सकते हैं संविधान क्या है एक नियम है संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें फंडामेंटल राइट्स right दिया जाता है कि ये हमारा राइट right है ये हमारा अधिकार है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर फंडामेंटल राइट हटा दिया जाए तो भारत का संविधान क्या बन जाएगा भारत का संविधान चाइना का संविधान बन जाएगा जहाँ पर सरकार जो चाहे सो कर सकती है तो वो चीज़ मिला ठीक है दूसरे का सवाल का क्या होगा अंग्रेजों के के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप की संदेह ठीक है तीसरा मंगल पांडे की घटना कब हुई थी जल्दी बताइए मंगल पांडे की घटना कब हुई थी ऑप्शन है मेरठ बैरकपुर अंबाला और लखनऊ जल्दी जल्दी सो गए क्या सब लोग नहीं लोग पार्टिसिपेट करेंगे बैरकपुर चलिए नहीं लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा ये और ठीक है पांचवा सवाल मंगल पांडे सिपाही थे उन्नीसवीं नेटिव इन्फेंट्री पच्चीसवीं नेटिव इन्फेंट्री उनचासवीं नेटिव इन्फेंट्री या चौरानवे मंगल पांडे सिपाही थे किसके उन्नीसवीं के पच्चीसवीं के, के उनचासवीं के या चौरानवे के चौंतीसवीं सही जवाब थे इसका आंसर क्या होगा नन दीज बहुत सही जवाब एक दो चार्ट और दिखाना चाहता हूं आपको वो जरूरी चार्ट है उसको देख लीजिएगा ये चार्ट है उम्मीद कर रहा हूँ ये दिख रहा है आपको हाँ दिख रहा है देखिए इसमें भारत ये सम समरी है मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आप रखिएगा दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र प्रमुख नेतृत्वकर्ता तो बख्त खां सेकेंड पे थे हकीम एहसानुल्ला और जीनत महल मिर्जा गालिब शायर थे जो उस वक्त उपलब्ध थे जीनत मिर्जा गालिब ने कई शायरी लिखी है कि ऐसा मेरे सामने हुआ ठीक है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह आरा में बंद बंदेर अली पटना में पीर अली बिठूर में नाना साहब बरेली में खान बहादुर खान ठीक है ये याद रखिएगा अलाहाबाद में लियाकत अली ये याद रखिएगा अलाहाबाद ला ला आ रहा है तो लियाकत अली अलाहाबाद लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खान ठीक है लखनऊ हमने अच्छे से पढ़ लिया था बेगम हज़रत महल फैजाबाद में मोहल मौलवी अहमदुल्ला ठीक है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ठीक फतेहपुर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सैदपुर नहीं है सुल्तानपुर नहीं है रेवरी नहीं है संबलपुर नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको अलाहाबाद याद रखना है बरेली याद रखना है और क्या रखना है? याद रखना है फैजाबाद याद रखना है ठीक है फ़तेहपुर भी याद रख लीजिए अच्छी बात है ये चार पांच याद रखिएगा एक दो और हैं जो सवाल में आएंगे यहाँ सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम लोग सवाल के माध्यम से कवर कर देंगे हमें एक ग्रुप में डाल दूंगा इसको ठीक है चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था किसे दिया था साहब ए आलम बहादुर खिताब ऑप्शन है अजीमुल्ला बिरजिस कादिर बख्त खान और हसन खान बिरजिस कादिर को तो नहीं दिया होगा पहले ही हमने रूल आउट कर दिया कौन उनके साथ था उनका सेनापति उनके साथ उनका सेनापति था बख्त खान इसलिए बख्त खान को दिया गया था यह एक क्वेश्चन है जो अक्सर आता है अठारह की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है प्रमुख कारण जब पूछा जाए तो इसमें चार ऑप्शन है जन आक्रोश सैनिक असंतोष ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां बताइए क्या था इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके को क्लियर करेगा अठारह की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था नहीं प्रमुख कारण सैनिक नहीं था यही आप देखिए ब्रिटिश साम्राज्य की ऐसी नीतियां थी जिससे सभी लोग अलग अलग हमने कारण कितने कारण पढ़े थे छह कारण पड़े थे उसमें एक कारण सैनिक था इसलिए यही यही कंफ्यूजन हो रहा है सैनिक सिर्फ एक कारण था इसका मतलब क्या होगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ऐसी थी कि छह अलग अलग कारण हो गए ठीक है डेफ्थ में जाइए इसको ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थीं जन आक्रोश उसका रिजल्ट था कारण नहीं था जन आक्रोश हुआ क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां ऐसी थी ब्रिटिश साम्राज्य की पॉलिसी ऐसी थी ठीक है सैनिक असंतोष में बहुत सारे बच्चे टिक लगाते हैं सैनिक असंतोष इमीडिएट कॉज था लॉन्ग टर्म कॉज नहीं था मुख्य कारण पूछा जा रहा है इसमें अगर पूछता तत्कालिक कारण बताइए तब वो हो सकता था चर्बी वाला कारण तो आप डिटेल में जाइए जो मैंने पढ़ाया है परसों उसमें कितने कारण थे मैं दिखा देता हूं कितने कारण थे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण धार्मिक और सामाजिक कारण आर्थिक कारण और सैनिक कारण सिर्फ सैनिक कारण एक कारण नहीं था ठीक है तो दीर्घकालिक कारण आपके राजनीतिक प्रशासनिक दो धार्मिक सामाजिक चार आर्थिक पांच और सैनिक कारण छह कुल आपके छह कारण थे समझ में आया ठीक है इसलिए ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि आपका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली कहानी अठारह की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी कहां से प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम जल्दी बताइए कहां से शुरू हुई थी जिन्होंने मेरा नोट्स ठीक से पढ़ा होगा उनको पता होगा कहां से शुरू हुई है देखिए मैंने क्या लिखा है प्रारंभ कब हुआ था यहाँ पे पढ़िए ये प्रारंभ लिखा हुआ है मैंने ये कितने लोगों ने ध्यान दिया था प्रारंभ बहुत सारे लोग बैरकपुर लिखते हैं बैरकपुर बार, में विद्रोह हुआ दबा दिया गया यहीं से प्रारंभ हुआ दस दस मई अठारह को मेरठ से हुआ और ये दिल्ली पहुँच गया ग्यारह तारीख को ठीक है मेरठ होगा इसका आंसर दस मई इसका दूसरा जवाब होगा ठीक है अगर डेट पूछता है तो दस मई होगा ठीक है कई बार ये सवाल आ चुका है अठारह के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था प्रतीक क्या था जल्दी बताइए क्या सिंबल था इसका यह भी मैंने बताया हुआ है पूरा जवाब नहीं है ये कमल और रोटी बहुत अच्छी बात है कमल और रोटी कमल और एंड हाँ एंड रोटी 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था बरेली विद्रोह मैंने आपको जस्ट दिखाया है ठीक है खान बहादुर हम्म hmm. बाकी सब तो आसान है अठारह में किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था किस कवि का किसका रामचंद्र पांडुरंग था ठीक है जल्दी बताइए फिर अगला सवाल मैं बताता हूं तांत्या तो बहुत अच्छी बात है अठारह के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा यह बीपीएससी में सवाल है अठारह के अरे मंगल पांडे कौन लिख रहा है मनोज कुमार महतो ब्लंडर है ब्लंडर अभी मंगल पांडे अठारह संतावन के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था गालिब ने देखा था यह बीपीएससी का बहुत रिसेंट सवाल है अठारह संतावन के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा अन रहा ठीक है ऑप्शन है एक दानापुर दो पटना तीन आरा चार मुजफ्फरपुर और पांच मुंगेर ठीक है और इसमें से ऑप्शन जो है उसमें से फोर और फाइव है केवल फाइव है केवल फोर है थ्री फोर फाइव है मुंगेर सही बात है क्योंकि देखिए आरा दानापुर पटना आपने पढ़ ही लिया है कि आरा दानापुर पटना में था ये एक मुजफ्फरपुर और मुंगेर में आपको डाउन होना चाहिए तो मुजफ्फरपुर में था मुंगेर में नहीं था ठीक है एक ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है क्लास के समय शायद मैंने बताया कि नहीं बताया अठारह संतावन में अलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था किसके द्वारा तो ये कैनिंग के द्वारा कैनिंग क्या हुआ था दिल्ली से अपना शिफ्ट करके आपको यहां आ गए थे अलाहाबाद में और अलाहाबाद से पूरे वार को कंट्रोल कर रहे थे पूरे युद्ध को ठीक है ये सब तो आसान है कि प्रधानमंत्री कौन थे उस समय ब्रिटेन के ठीक है ये ये बता दीजिए तो लगभग ये ही सवाल है एक बार आप लोग खुद से सवाल ढूंढिएगा कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बना है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और पाँच मिनट हम लोग और बात करते हैं फिर क्लास को क्लोज़ करेंगे और कोशिश करूँगा कल क्लास लेने की मेरी तो तबीयत ठीक नहीं आज क्लास शेड्यूल करा लिया था मैंने इसीलिए क्लास लिया है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है अगर किसी को दिख रहा होगा तो पसीना टप टप चू रहा है क्योंकि मैं अभी क्रोसिन खा के आया हूँ तो हाँ स्वीटी जी बताइए क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स हाँ सुबोध कुमार सर सब बन गया है सर सर आपसे बात करनी है सर आप डलहौजी लिखवाए हैं और घटना चक्र में कैनिंग लिखा है हाँ मैं चेक कर लूँगा देखिए मैं बहुत जल्दी किसी को मना नहीं करता हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ हो सकता है मैं गलत भी हूँ एक बार मैं चेक कर लूँगा ठीक है मैं अगली क्लास में आपको चेक करके बताऊँगा क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह बस थोड़ा सा आपसे एक कदम आगे चल गया हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम निकल गया है ठीक है चलिए आज एक सवाल मैंने पूछा था क्लास के दौरान कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और फर्स्ट वाइस राय कौन थे ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आपको वेरन हेस्टिंग कब बने थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हाँ ये किताब है मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ इसी किताब से मैंने भी तैयारी किया था बहुत अच्छी किताब है ये किताब में आपको ये जितने भी टॉपिक हैं सबका टॉपिक वाइज वो लिखा हुआ है ठीक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक वो बंगाल के थे बंगाल के अंदर क्या था आपको तीनों जगह आ रहे थे फिर इंडिया टर्म यूज करने लगे विलियम बेंटिक बना और फर्स्ट वॉयस राय थे आपको कैनिंग ठीक है इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तिहत्तर में बने थे बहुत सही बात है वो अठारह में बने थे और ये अठारह ठावन बने फिफ्टी एट में बने ठीक है चलिए किसी को अगर किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा और कल से आपकी साइंस की क्लास शुरू हो रही है और सुशांत सर क्लास ले रहे हैं सुशांत सर बहुत फेमस टीचर हैं उनके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो वो साइंस पढ़ा रहे हैं और लगभग बहुत सारे बच्चे उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं और सेलेक्टेड हैं में नहीं अगर मिल जाता तो पता चलता कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा आ, क्लास का मैं बोल देता हूँ शेड्यूल कंटेंट सेक्शन में डाला जाता है मैं अलग से टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा देता हूँ इसका पीडीएफ आपको पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे डाला जा चुका है ठीक है अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आप सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं अपना पर्सनल लिख देता हूँ रिटर्न्स ये मेरा टेलीग्राम का पर्सनल आईडी है जब इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो मुझ तक मैसेज पहुंच जाता है कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी टीचर से दिक्कत हो देखिए कुछ लोग हैं जो अभी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारे पीछे पड़े हुए हैं हो सकता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हो इसीलिए तो आप बताइएगा अगर आपको किसी टीचर से दिक्कत है तो हम लोग ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे या हटाएँगे लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो परेशान करना चाहते हैं तो अक्सर एक बात स्टार्ट की रखिएगा अपने जीवन में कि जब कोई बोले कौवा कान ले गया है तो एक बार कौवे के पीछे भागने से पहले कान देखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ग्रोथ हो रहा है कि नहीं आपके लेवल में इन्हांसमेंट हो रहा है कि नहीं ठीक है क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपका फ़ायदा ज़रूर हो बस यही मेरी कोशिश है और कुछ कोशिश नहीं है ठीक है चलिए तो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट चलिए बाय गुड नाइट